इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर के क्षेत्र में हुए विकास के कारण ही ड्रोन का आविष्कार संभव हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कब कैसे में। आइए आज के वीडियो में जानेंगे ड्रोन का आविष्कार कब और किसने किया, साथ में जानेंगे इससे जुड़ा इतिहास और इसके उपयोग। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल कब कैसे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसी सटीक चीज के आविष्कार के लिए उससे मिलते जुलते वस्तु से प्रेरणा लेना स्वाभाविक है। 1849 में ऑस्ट्रिया ने मानव रहित एक बम फेंकने वाला उपकरण बनाया। जो उड़ता था वो गुब्बारे की तरह नजर भी आता था, यहीं से ड्रोन बनाने का आइडिया आया। पर जब 1915 में महान वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने एक लड़ाकू विमान बनाया जो मानव रहित था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन बनाने में मैरिलिन मोनरो नाम के व्यक्ति का अहम योगदान रहा है। इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, बस यही मानकर चलिए कि यह प्लास्टिक का खिलौना है जिसे इंसान ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से विभिन्न क्षेत्र में इससे काम लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि इसका उपयोग खोज और बचाव कार्य में किया जा सकता है, इससे किफायती एरियल फोटोग्राफी की जा सकती है। ड्रोन का उपयोग निगरानी, शिक्षण या फिर प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जंगल में आग की रोकथाम के लिए और अवैध शिकार की रोकथाम के लिए और इससे जुड़े फसल पालतू पशुओं की सुरक्षा के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कब कैसे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।